दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है। अब तक आप लोगों ने पत्रकारों को सत्ता की चाटुकारिता करते हुए देखा होगा, लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं वो पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक फर्जी राष्ट्रवादी एंकर शराब के नशे में धुत होकर पत्रकारिता का मजाक उड़ा रहा हो। नमस्कार, मैं हूं अंदर आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। दीपक चौरसिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग ये कह रहे हैं कि वो शराब के नशे में धुत होकर एंकरिंग कर रहा है। गोदी मीडिया के एंकर हर दिन अपनी करतूतों की वजह से चर्चाओं में रहता है, कभी सत्ता का करीबी बनकर तो कभी अनऑफिशियल प्रवक्ता बनकर विपक्ष पर टूट पड़ता है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एंकर नशे में धुत होकर एंकरिंग करने बैठ जाए और शो में ही हकलाने बड़बड़ाने और लड़खड़ाने लगे तब उनको बीच शो से हटा दिया गया हो। हाँ, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल ऐसा ही कुछ है। अर्नब गोस्वामी के ड्रग्स दो के बाद दीपक चौरसिया का एक नया वीडियो आया है, जिसे देखकर आप भी पूछ बैठेंगे कौन सा वाला नशा ले रखे थे भाई साहब। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम विदाई का वीडियो न्यूज नेशन पर चल रहा था। उसी स्क्रीन के कोने में मुंह घुसाए बैठा दीपक चौरसिया अपने भांग के नशे को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा था। वो खुद को उस समय भावुक दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे नशा चढ़ता जा रहा था वो कंट्रोल से बाहर होता चला गया। जरा देखिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर ले हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था। और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे। इस वीडियो के बाहर आने के बाद पत्रकार प्रशांत शुक्ला कहते हैं कि पता चला है कि दीपक चौरसिया कल किसी पार्टी में थे। 8:30 बजे देश की बात शो को वो होस्ट करने वाले थे। ये ऐसी हालत में नहीं थे कि प्रोग्राम कर पाए। पूछा गया कि कर पाएंगे या नहीं तो फिर बोले कोई दिक्कत नहीं है। फिर हकलाने लड़खड़ाने और बड़बड़ाने का ऐसा सिलसिला चला कि 20 मिनट में ही उनको शो से हटाना पड़ा। वही उन्होंने आगे कहा कि आनंद फानन में प्रबंधन से आदेश जारी हुआ कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है, बाहर नहीं जाना चाहिए। हर जगह से शो को हटा दिया गया, लाइव स्ट्रीमिंग ब्रेक कर दी गई, दूसरा एंकर लाया गया, लेकिन तब तक टीवी की ये रिकॉर्डिंग मोबाइल में कैद हो चुकी थी, जिसे अभी आपने देखा। चौरसिया का नशा ऐसा चढ़ा कि वो बिपिन रावत साहब को जर्नलिस्ट बताने लगा और उनकी जगह वीकेसी को श्रद्धांजलि देने लगा। जरा सोचिए कि गोदी के गिद्ध की जगह शाहरुख खान या उनका बेटा होता तो ये गोदी मीडिया उन्हें नशेड़ी और गजेड़ी गैंग बता रही होती। लेकिन इस नशेड़ी एंकर की वीडियो को बाहर आने के बाद भी अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और अमीश देवगन जैसा पत्रकार चुप है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सब पत्रकार आज इस नशेड़ी एंकर के खिलाफ हल्ला बोलेंगे? क्या एनसीबी की टीम दीपक चौरसिया के घर पर छापा मारेगी या फिर इस खबर को दबा दिया जाएगा? जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामा खड़ा हो गया। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि दीपक चौरसिया की ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने उच्च पदार्थ का सेवन किया हुआ है। बहादुर जवानों की शहादत पर ऐसे नशेड़ी हालत में एंकरिंग करना शर्मनाक है। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि नशीली श्रद्धांजलि बदलते युग में झूमती पत्रकारिता। एक और ट्विटर यूजर कहते हैं कि राष्ट्रवाद का चाइना मूड, चोला ओढ़े बैठे सब लफंटों की यही कहानी है, जमकर डांस और दारू पार्टी करके सीधा लाइव आकर ऐसे दिखा रहा है जैसे मानो गम में डूबा पड़ा हो।
बताइए जरा, जब देश ने अपने जाबाजों को खो दिया हो तब ये शराब की पार्टी करके खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। ऐसे में इस नशेड़ी एंकर पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब करिए।